ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत के विदेश मंत्री है जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने एससीओ की उस बैठक में एक तरह से इशारों ही इशारों में चाइना से लेकर पाकिस्तान तक की धुलाई कर दी। इस एससीओ की बैठक में खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे और चीन के पीएम प्रीमियर ली वो भी इस बैठक में मौजूद थे। इन दोनों के सामने ही भारत ने ऐसे मुद्दे उठा दिए जिससे माना जा रहा है कि उनकी धुलाई हुई है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लेते हुए चीन और पाकिस्तान की पोल खोली है। एससीओ समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन के मुद्दे को उठा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। यह जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, ना कि एकपक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री ने सीपीईसी को इशारा करते हुए कहा कि यदि हम दुनिया को चुनिंदा प्रथाओं को ही आगे बढ़ाकर खासकर व्यापार और व्यापारिक मार्गों के लिए तो फिर एससीओ की प्रगति नहीं हो पाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वैश्वीकरण और पुनर्संतुलन आज की वास्तविकताएं हैं। एससीओ देशों को इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए और एक तरफा एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविक साझेदारी पर यह आधारित होना चाहिए। अगर हम वैश्विक प्रथाओं खासकर व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को ही चुनेंगे तो एससीओ प्रगति नहीं कर पाएगा। सीपीईसी को लेकर भारत हमेशा ही हमलावर रुख अपनाता रहा है। सीपीईसी को लेकर भारत की चिंता यह है कि यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसे चाइना नहीं मानता, इसे पाकिस्तान नहीं मानता, और यही वजह है कि वहां से सीपीईसी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका भारत लगातार विरोध करता रहा है और इस बार भी उसने एससीओ की बैठक में चाइना पाकिस्तान के बड़ी बड़ी लच्छेदार बातों के सामने संप्रभुता की बात रखकर ऐसे धुलाई कर दी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।